मेजरमेंट, ठीक है, उसमें देखो आपके जो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है एसी ब्रिज, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, ये चार टॉपिक आपके कंप्लीट कर दिए मैंने, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, ठीक है, जिसमें मतलब एरर के जितने भी आपके लिमिटिंग एरर वगैरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे आज एरर एनालिसिस में, ठीक है ना। और देखो ये जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के जो लेक्चर्स में दे रहा हूँ ये आपके एसएससी, जेई और जेईएन के जो दूसरे एग्जाम है जैसे कि यूपीपीसीएल और राजस्थान का जो भी होने वाला है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेक्चर्स में सिर्फ आपको जो जेईएन के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सो आप अगर गेट या किसी हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए लेक्चर्स नहीं होंगे ये, लेकिन एटलीस्ट आपको इससे बेसिक्स तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो एक बार जो एरर एनालिसिस है उसमें कुछ बेसिक टर्म्स आती है, ठीक है, जिसकी लोग बेसिकली डेफिनेशन रट के चले जाते हैं और समझते नहीं उनको। तो एक बार देखो मैं आपको उस टर्म्स को अच्छे से समझा देता हूँ। देखो आपने एक गेम देखा होगा जिसका नाम था डार्ट्स, DARTS, डार्ट्स, देखो वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, ये आपका होता है डार्ट बोर्ड, ठीक है, और ये आपकी ये मिसाइल्स होती है जिनको आप थ्रो करते हो, क्लियर है। तो सपोज करो कोई पर्सन है, ए पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, तीन ये मिसाइल ले ली, ठीक है, और उसने क्या किया, देखो मिसाइल्स को उसने थ्रो किया, ठीक है, इस बोर्ड में थ्रो करना होता है, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये आपकी एक्यूरेट लोकेशन होती है, ठीक है, यानी आपका टारगेट होता है इस केस में कि सेंटर पे आपको मारनी है, ठीक है ना। तो देखो ए पर्सन था, उसने क्या किया, देखो तीन उसके पास मिसाइल्स थी, पहली उसने थ्रो की तो वो जाके यहाँ पे लगी, ठीक है, दूसरी उसने थ्रो की तो यहाँ पे लगी, ठीक है, तीसरी उसने थ्रो की तो वो लगी आपके सेंटर पे यानी आपके टारगेट पे। तो देखो ये आपकी पहली मिसाइल, ये दूसरी मिसाइल, ये तीसरी मिसाइल, ठीक है, तीन उसने थ्रो की और जो तीसरी थी वो जाके आपकी एक्यूरेट रिजल्ट पे लगी यानी जो सेंटर था, जो आपका टारगेट था वहां पे जाके हिट कर गई जो थर्ड वाली मिसाइल थी, ठीक है, यानी उसने जो एक्यूरेट है वो तो उसने मतलब ऑप्टेन कर लिया यानी उसने अपने टारगेट को तो हिट कर लिया, और उसने कितनी बार किया, तीसरी बार किया, ठीक है, पहली बार उसने गलत जगह फेंका, दूसरी बार भी गलत जगह फेंका, आखिर में एंड में जाके जो तीसरी बार जो फेंका वो सीधा आपके टारगेट पे हिट गया, यानी ये जो अगर इसमें बोले हम तो ये आपका एक्यूरेट तो है, बिकॉज आप देख सकते हो इसने टारगेट को तो हिट किया ना, तो एक्यूरेट तो हो गया, बट नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज का मतलब होता है किसी एक रिजल्ट को रिपीट करना, ठीक है। तो देखो अगर उसने पहली हिट की और वो यहाँ पे गई तो दूसरी भी यहाँ पे भी जाती और तीसरी भी यहीं पे जाती, यानी उसने तीनों बार एक ही जगह पर उसने हिट किया मिसाइल्स को, यानी कि वो प्रिसाइज है। बट इस केस में क्या हो रहा है, एक कहीं और है, दूसरी कहीं और है, तीसरी कहीं और है, तीनों की कोई आसपास ही नहीं है एक दूसरे के, ठीक है, यानी वो डेटा आपका प्रिसाइज नहीं है। इस बंद ये जो बंदा है ए बंदा, ठीक है, ये जो ए बंदा है ये बंदा आपका एक्यूरेट तो है, ठीक है, बट आपका प्रिसाइज नहीं है, बिकॉज ये एक बार उसने एक्यूरेट तो मार दी बट सेम रिजल्ट को रिपीट नहीं कर पा रहा ना, ये क्लियर है। सो देखो आगे और देखते हैं। सो देखो अब कोई बी पर्सन है, ठीक है, कोई बी पर्सन है, अब इसमें देखो उसने क्या किया, उसके पास भी तीन मिसाइल थी, ठीक है, तो उसने देखो हिट की, पहली यहाँ पे गई, दूसरी यहाँ पे गई और तीसरी यहाँ पे गई, ठीक है, तीनों की तीनों क्या गई, एक ही जगह पे गई ना एकदम आसपास में। तो देखो आपका टारगेट तो क्या था, ये सेंटर पे मारनी थी आपको तो, ठीक है, बट इस बी वाले ने क्या किया, ये बी वाला जो है ना सेंटर पे नहीं मार पाया, सारी की सारी ये जो आपको दिख रही है ये लोकेशन यहाँ पे मार दी सारी की सारी, क्लियर है। तो ये आपका एक्यूरेट तो हुआ नहीं, बिकॉज इसने अपने टारगेट को तो हिट ही नहीं किया, तो ये तो हो गया नॉट एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट तो ये है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज आती है प्रिसाइज की, प्रिसाइज का मैंने मतलब मैंने क्या बताया कि एक ही रिजल्ट को वो बार बार रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, सेम, यानी अगर एक जगह कहीं पे उसने मिसाइल मार दी तो बार बार उसी जगह पे मार रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक बार यहाँ पे मारी, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, यानी सेम जगह पे उसने रिपीट किया, उसने रिपीट पे ही एक ही जगह पे उसने मारा बार बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिसाइज, ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझ लो दोनों में, क्लियर है, बिकॉज ये आप यहाँ से आपको ना जो बेसिक चीजें होती है वो पूछी जाती है, ठीक है, प्रिसाइज। अब देखो जो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं उसमें क्या किया, देखो कोई सी पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, देखो उसके पास तीन मिसाइल थी, उसने पहली हिट की वो जाके सेंटर पे लगी, दूसरी हिट की वो भी सेंटर पे लगी, तीसरी हिट की वो भी सेंटर पे लगी, यानी उसको तीन मिसाइल दी हमने और तीनों की तीनों उसने जाके सेंटर पे मार दी, यानी उसने टारगेट हिट कर दिया, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो हो गया, ठीक है, बिकॉज उसने टारगेट तो हिट कर दिया ना, तो एक्यूरेट तो हो गया। अब तीनों की तीनों देखो कहाँ है, सेंटर में है ना,
तीनों की तीनों आपकी सेंटर पे मारी उसने, तीनों की तीनों बार, एक बार भी उसकी वैल्यू जो है, बेसिकली जो लोकेशन है डार्ट मिसाइल्स की, वो अलग अलग नहीं है, सारी एक सेम लोकेशन पे सारी है उसने मारी है, ठीक है। तो ये डेटा आपका क्या हो गया, प्रिसाइज भी हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कुछ अपना इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से समझो, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है ए, एक इंस्ट्रूमेंट है बी, एक इंस्ट्रूमेंट है सी, ठीक है। अब देखो ए वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उससे आप कुछ रीडिंग मेजर करते हो, ठीक है। पहली बार आपने देखो एक्चुअली आपको क्या करना था, जो सर्किट है उसमें आपको पता है कि करंट आपका है 10 एम्पियर, क्लियर है, किसी सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आपने क्या किया, उस करंट को आपने आपको मेजर करना था बेसिकली, क्लियर है। तो देखो आपने जो ए इंस्ट्रूमेंट था उसको उसमें कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है। तो अब वो करंट को मेजर करेगा, तो उसने देखो जो पहली बार मेजर किया, सो देखो करंट कितना था आपका 10 एम्पियर सर्किट में था, ठीक है। तो पहली बार उसने जब मेजर किया तो उसने 12 एम्पियर मेजर किया, क्लियर है। जब दूसरी बार उसने मेजर किया तो उसने किया 20 एम्पियर, और तीसरी बार जब किया तो उसने किया 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर आपका क्या था, टारगेट था, यानी 10 एम्पियर ही आपका सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये आपको पता है। और आपने जब इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया ए इंस्ट्रूमेंट से, तब आपको थर्ड टाइम जब आपने इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया ना, तीसरी बार जब किया तब आपको जाके ये एक्यूरेट रिजल्ट मिला, यानी 10 एम्पियर। तो इस केस में भी इससे समझ सकते हो, इससे रिलेट करो इसको। तो देखो इंस्ट्रूमेंट ने करेक्ट वैल्यू तो दी, यानी ए इंस्ट्रूमेंट ने आपको एक्यूरेट रिजल्ट तो दिया, यानी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू यानी ये 10 एम्पियर वाली, ठीक है, ये वैल्यू तो दी आपको, बट तीसरी बार जाके दी, पहली बार में कुछ और ही दी इसने, दूसरी बार में भी कुछ और दी, लेकिन तीसरी बार जाके उसने सही रिजल्ट दे दिया, क्लियर है। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट तो है, बिकॉज ये एक्यूरेट रिजल्ट तो दे ही रहा है, बट ये गलतियां भी तो कर रहा है, यानी प्रिसाइज थोड़ी है ये, एक बार कुछ और दे रहा है, एक बार कुछ और दे रहा है। अपने को क्या पता, जब चौथी बार हम करेंगे तो कुछ और रीडिंग देते हैं, क्लियर है। तो ये रिजल्ट एक्यूरेट तो है, ठीक है, बट ये इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिसाइज नहीं है। तो ऐसे आप बी इंस्ट्रूमेंट में आओ, ठीक है। तो देखो बी इंस्ट्रूमेंट में क्या है, आपको मेजर करना था 10 एम्पियर, बट उसने एक बार 12 किया, एक बार 20 किया, एक बार मान लीजिए 30 एम्पियर किया, उसने 10 एम्पियर तो मेजर ही नहीं किया, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बी वाला वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट तो दे ही नहीं रहा, वो बस हर बार ये कहीं और ही घुमाता जा रहा है, कुछ और रीडिंग ही दे रहा है आपको, ठीक है, कभी 12 दे दी, कभी 20 दे दी, कभी 30 दे दी, ठीक है। तो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं हुआ, बिकॉज ये रिजल्ट आपको एक्यूरेट दे नहीं रहा, क्लियर है। अब इसको कुछ, ये जो प्रिसाइज डेटा है ना, तो इसको आप दो, एक बार 12 दी इसने, एक बार 13 दी, एक बार 14 दी, यानी उसके आसपास ही दे रहा है, ठीक है ना, रीडिंग, बिकॉज प्रिसाइज का मतलब होता है उसके एकदम आसपास उसका रिजल्ट देना, यानी रिप्रोड्यूस करना सेम रिजल्ट को, क्लियर है, बट एक्यूरेट नहीं देना। बट इस जो थर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट में देखो, आपको जो सी वाला इंस्ट्रूमेंट है वो हर बार आपको, आपने बेसिकली 3 बार किया मेजर, ठीक है, तीनों बार आपको क्या दिया उसने, 10 एम्पियर दिए, ठीक है, तीनों के तीनों बार, और तीनों के तीनों बार देखो 10 एम्पियर है और आपका ट्रू वैल्यू भी मेजर कर रहा है, क्लियर है। तो ये आपका जो सी इंस्ट्रूमेंट है ये आपका सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हुआ, ठीक है। तो देखो इससे अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्यूरेट यानी एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है, यानी प्रिसाइज, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, बिकॉज इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इनको समझो, रटने की जरूरत नहीं आपको। सो देखो जब आप एक्यूरेट की बात करते हो तो एक्यूरेट तो आप समझ गए क्या होता है, क्लियर है। अब देखो एक टर्म आती है एक्यूरेसी, अब देखो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपकी जो रीडिंग है वो कितनी पास है ट्रू वैल्यू से। सपोज आपको देखो एक ए इंस्ट्रूमेंट है, एक बी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपको रीड करना था 5 एम्पियर, क्लियर है। अब देखो जो ए इंस्ट्रूमेंट है उसने आपका रीड किया 4.5 एम्पियर, और जो बी इंस्ट्रूमेंट है इसने रीड किया 4 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, 5 एम्पियर। अब इससे सबसे क्लोज यानी इसके पास वाली जो वैल्यू है वो कौन रीड कर रहा है, आपका ए इंस्ट्रूमेंट, यानी ए ने रीड किया ना 4.5 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि जो आपका ए इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, वो मोर एक्यूरेट है, बिकॉज वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है आपको बी के कंपेयर में, जबकि आपकी ट्रू वैल्यू तो 5 एम्पियर है और जो बी इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ 4 एम्पियर दे रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी पास है ट्रू वैल्यू के, क्लियर है। तो देखो डेफिनेशन वाइज देखे तो एक्यूरेसी इट इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, मीन्स वी कैन से दैट द इंस्ट्रूमेंट इन विच द मेजर्ड वैल्यू विल बी मच क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट। सो देखो आपको अगर देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो उसमें ऑप्शन में ये वर्ड पक्का होगा, क्लोजनेस, क्लियर है। सो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ इन पे। अब देखो दूसरी आती है आपकी प्रिसीजन, ठीक है, देखो इसको और इजी से समझाता हूँ मैं आपको। सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे आप सिंपल रीड कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने रीड किया तो वो 5 एम्पियर दे रहा है, ठीक है, सेकंड टाइम रीड किया उसने तो वो क्या दे रहा है,
5.1 एम्पियर, ठीक है, थर्ड टाइम रीड किया तो वो दे रहा है 5.2 एम्पियर, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ए वाला, ठीक है, इससे आपने तीन रीडिंग ली, एक बार 5 मिली, एक बार 5.1, एक बार 5.2, और कोई बी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक बार 5, एक बार 10 और एक बार 20, क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपकी रीडिंग को रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी सेम रीडिंग को, ठीक है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा डिग्री तक डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो इसमें 0.1 का ही है, ठीक है, और इसमें 0.1 का है, क्लियर। तो देखो पहली बार 5 एम्पीयर थी, फिर 5.1, फिर 5.2, बट इस केस में देखो पहली बार 5, फिर 10, फिर 20 सीधे, ठीक है। तो ये जो बी वाला इंस्ट्रूमेंट है ये आपका ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, इसका प्रिसीजन कम है, बट जो ए इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रिसीजन अच्छा है। तो इसके देखो डेफिनेशन वाइज समझो इसको, देखो प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ, ये वाली टर्म है ना देखो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके ऑप्शन में ये वर्ड जरूर होगा, यानी रिप्रोड्यूस वाला, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है, यानी जो मेजर्ड वैल्यू है उसको वापस रिपीट करना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, ये आपको होता है प्रिसीजन, क्लियर है। सो देखो यहाँ पे देखो ये सक्सेसिव का मतलब होता है बैक टू बैक, पहली रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग ली, फिर तीसरी रीडिंग ली, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिग्री टू विच द मेजरमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, यानी इनके बीच में कितना डिफरेंस है, क्लियर है, ये आपको प्रिसीजन बताता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसका मतलब प्रिसीजन उसका बहुत गंदा है, ठीक है, अगर प्रिसीजन बहुत अच्छा है यानी कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, क्लियर, ये बेसिक प्रिसीजन का मतलब होता है, क्लियर है। तो इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में गया। सो देखो अगली टर्म में आता है, तो देखो एक और टर्म होती है जो आपको बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, क्लियर है, वो होती है आपकी सेंसिटिविटी। तो देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सपोज आपने कुछ इनपुट दिया, क्लियर है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट दिया, अब वो आउटपुट क्या दे रहा है, क्लियर है, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा अगर आपने इनपुट दिया इंस्ट्रूमेंट में, तो जो रेशियो होता है आपका आउटपुट टू इनपुट, ठीक है, यानी जो आपका आउटपुट में जो चेंज हुआ है, ठीक है, और जो इनपुट में आपने जो दिया है, ठीक है, यानी रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, ये आपकी होती है बेसिक सेंसिटिविटी, क्लियर है। और इन दोनों की जो यूनिट है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आपने आउटपुट वोल्टेज ले लिया और इनपुट वोल्टेज ले लिया, वो आपकी सेंसिटिविटी नहीं कहलाएगी, क्लियर है। सो देखो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट, बट यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इनपुट शुड बी डिफरेंट, क्लियर है, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो देखो इससे क्या, अगर अगर आपको कोई पूछे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा हाई होनी चाहिए, क्लियर है, ये आप नोट में लिख लेना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट हो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हाई है उतना वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट। अब देखो जो सेंसिटिविटी होती है उसको आप लिखते हो एस से, ठीक है ना, एस। तो देखो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये होता है 1/IFS, एफएस का मतलब फुल स्केल, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप नोट लगा के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सेंसिटिविटी का, ठीक है। तो देखो अगर आप IFS की बात करते हो, यानी फुल स्केल करंट, ठीक है, ये आपका होता है फुल स्केल करंट, क्लियर है। तो देखो अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे तो सिंपल, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी अगर यूनिट लिखते हो उसकी तो रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी, वोल्ट की यूनिट कितनी, वोल्टेज की यूनिट कितनी हो जाएगी वोल्ट, और रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम। तो यहां से अगर देखो यूनिट ऑफ एस निकालते हो, यानी सेंसिटिविटी की यूनिट, ठीक है, तो यूनिट किसकी निकाल रहे हो आप, सेंसिटिविटी की, ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या आएगी, देखो 1/IFS है, यानी 1/वोल्ट पर ओम, यानी ये हो जाएगी ओम पर वोल्ट, क्लियर है। तो ये यूनिट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, बिकॉज ये बेसिक चीजें ही आपको एग्जाम में पूछी जाती है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से, इतना वो टफ चीजें नहीं पूछी जाती मेजरमेंट से, ठीक है, बेसिक चीजें पूछी जाती है, तो इन सब चीजों को आप याद रखिए। तो देखो आगे देखते हैं, अब देखो एक और टर्म आती है आपकी, वो आपके होते हैं रिजोल्यूशन। आपको ये भी पूछा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि रिजोल्यूशन क्या होता है, क्लियर है। तो देखो रिजोल्यूशन बेसिकली ये इनपुट की मिनिमम वैल्यू जिस पर आपको आउटपुट मिल जाए, क्लियर है, यानी आपका जो मिनिमम इनपुट की वैल्यू जहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका आउटपुट को डिटेक्ट कर ले, क्लियर है, ये आपको होता है रिजोल्यूशन। तो ये चीज भी आपको पूछी जाती है, इट इज द मिनिमम चेंज इन इनपुट विच इज डिटेक्टेबल एट द आउटपुट, क्लियर है। अब देखो एक चीज पूछी जाती है जो आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछ रखी है एसएससी में, देखो सपोज करो ये आपका है आउटपुट, ठीक है, ये आपका है इनपुट, क्लियर है। तो देखो आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ इनपुट दिया, ठीक है, आउटपुट अभी तक कुछ नहीं मिला आपको, इनपुट आपने दिया, फिर भी इनपुट देते जा रहे हो आउटपुट कुछ नहीं मिला, पर
पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आके आपका क्या हुआ, आपको आउटपुट मिलने लग गया, ठीक है, और आपको आउटपुट मिल गया, क्लियर है। बट देखो इतनी देर तक आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिला ना, इवन दो आपने इनपुट दिया है बट आपको आउटपुट तो नहीं मिला, तो ये जो होता है इसको आप बोलते हो डेड जोन, डेड जोन, ठीक है। कभी कभार इसको ये ना आप एग्जाम में आपको डेड टाइम भी लिख के देगा, डेड टाइम, क्लियर है। तो देखो डेड जोन क्या हो जाएगा आपका, व्हेन द इनपुट इज गिवन बट आउटपुट इज नॉट रिसीव, डेड जोन इज कॉल्ड डेड जोन, ठीक है। एकदम सिंपल डेफिनेशन, कोई आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आपको एमसीक्यू पूछने वाला पेपर में, क्लियर है। तो देखो आगे देखते हैं, अब देखो अब आपकी आती है कि एरर क्या होती है, इसको समझते हैं। तो देखो सपोज करो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे कुछ रीड करना था, ठीक है, आपको सपोज रीड करना था 5 एम्पियर, क्लियर है। बट उस इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, आपको रीडिंग दी 4 एम्पियर, ठीक है, यानी आपकी ट्रू वैल्यू तो क्या थी 5 एम्पियर, बट उसने मेजर करके क्या दी, यानी जो मेजर्ड वैल्यू कितनी मिली आपको 4 एम्पियर, क्लियर है। तो यानी यहाँ पे देख के आप बता सकते हो आपको एरर कितनी मिली, 4 माइनस 1, यानी कि 1 एम्पियर की एरर है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जो आपका रीड कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एरर, और इसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, क्लियर है। तो अगर देखो एरर की अगर डेफिनेशन देखो तो क्या हो जाएगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, क्लियर है। सो देखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, क्लियर है। तो देखो इसका अगर सिंपल मैं फॉर्मूला वाइज लिखू तो देखो एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, देखो ट्रू वैल्यू जो भी है, ट्रू यानी जो आपको एक्चुअल में रीड करनी थी 5 एम्पियर सपोज, ठीक है, और जो उसने मेजर्ड की, ठीक है, जो मीटर आपको मेजर करके दे रहा है, तो ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको आपकी एरर मिल जाएगी मेजर्ड वैल्यू। तो देखो जब इसको फॉर्मूला वाइज लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं आर टी, आर को आप रेजिस्टेंस में समझ लेना, ठीक है ना, ये ट्रू वैल्यू है, और इसको लिखते हैं हम आर एम, क्लियर है। अब देखो आपकी एक और एरर आती है, ये तो आपकी कौन सी हो गई एब्सोल्यूट एरर, क्लियर है। तो देखो एक आपको पूछी जाती है रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर, क्लियर है। तो देखो रिलेटिव एरर देखो सिंपल समझो, ये बेसिकली आपका रेशियो होता है एब्सोल्यूट एरर और जो ट्रू वैल्यू उसका, सिंपल। तो देखो ये क्या होगा, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, क्लियर है। तो देखो इसका अगर सिंपल मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो देखो एब्सोल्यूट अपॉन आर टी यानी ट्रू वैल्यू, तो इस केस में देखो एब्सोल्यूट क्या है, आर टी माइनस आर एम डिवाइड बाय आर टी, तो ये आपकी हो जाएगी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए, क्लियर है यहाँ तक। सो देखो लिमिटिंग एरर एट डिजायर्ड वैल्यू, यानी किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको लिमिटिंग एरर पूछ लेता क्वेश्चन में, ठीक है। सपोज देखो मैंने आपको पूछ लिया कि आप एरर निकालिए 30 वोल्ट पे, एरर निकालिए 10 एम्पियर पे, ठीक है, इन 10 एम्पियर 30 वोल्ट ये क्या हुई डिजायर्ड वैल्यू, यानी किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको एरर निकालने को बोला, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल वैल्यू यानी जो भी उस इंस्ट्रूमेंट के फुल स्केल वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर एट फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल, ठीक है, यानी जब फुल स्केल वैल्यू को जो रीड कर रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, तब तो उसकी एरर कितनी है परसेंटेज में, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिजायर्ड वैल्यू, यानी जो भी आपकी डिजायर्ड वैल्यू पे आपको पूछी है एरर वो डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जितने भी स्टार लगाओ ना वो काम होंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। और अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है ना, एरर से, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, क्लियर है। सो क्वेश्चंस को देखते हैं, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो ये क्या है, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग फुल स्केल वैल्यू ऑफ 400 वोल्ट, ठीक है, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है वो मैक्सिमम कितना रीड कर सकता है 400 वोल्ट, क्लियर है, ये इसकी फुल स्केल वैल्यू है, एंड द परसेंटेज एरर एट स्केल इज कितनी है 2%, क्लियर है। फाइंड द एरर एट फॉलोइंग स्केल, ये बताओ जब आपका इंस्ट्रूमेंट 200 वोल्ट मेजर करेगा तो आपकी एरर कितनी होगी, फिर पूछा 100 वोल्ट मेजर करेगा तब कितनी एरर होगी, जब 50 वोल्ट मेजर करेगा तब कितनी होगी आपकी एरर, ठीक है, ये बेसिक आपको पूछा है, क्लियर है। तो यानी किस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको एरर निकालनी है ना, यानी किसी डिजायर्ड वैल्यू पे, तो देखो सिंपल
पहले देखो इसमें जो सिंपल चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ, देखो फुल स्केल वैल्यू इसमें क्या हो गई, फुल स्केल वैल्यू ठीक है 400 वोल्ट, तो ये आपकी हो गई 400 वोल्ट, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये इसमें क्या दिया, परसेंटेज एरर ठीक है ना, परसेंटेज एरर कितनी हो गई 2%, क्लियर है। अब इसने बोला एरर निकालो जब 200 वोल्ट है, जब 100 वोल्ट है और जब 50 वोल्ट है, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट निकालते ए ठीक है, तो देखो एरर एट 200 वोल्ट ठीक है। तो देखो मैंने सिंपल आपको बताया क्या लो, फुल स्केल वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट ठीक है, मल्टीप्लाई एरर ठीक है कितनी है 2% डिवाइडेड बाय, आपने देखो परसेंटेज, परसेंट को उसमें चेंज नहीं किया ठीक है ना, परसेंटेज में लिया अभी भी, तो एरर भी आपको परसेंटेज में मिलेगी। तो देखो 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, किस पे निकालिए 200 वोल्ट पे, यानी डिजायर है आपकी 200। तो देखो 2 से 2 0 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, तो आपको एरर मिली 4%, क्लियर है। सो देखो सेकंड निकालते बी एरर एट 100 वोल्ट। देखो इस क्वेश्चन से एक और चीज मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, देखो एरर एट 100 वोल्ट कितनी हो जाएगी 100 वोल्ट, ये आपकी हो जाएगी देखो फुल स्केल यानी 400, एरर है 2% डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट, तो ये आपको मिल गया 8% ठीक है। अब देखो सी एरर एट 50 वोल्ट ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 50, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड 5 से 48 टाइम्स ठीक है, तो ये आपकी हो गई 16% ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अच्छे से समझो उसको ठीक है, चीजों को सिर्फ रटो मत के फॉर्मूला लगा दिया अप्लाई कर दिया और हो गया आपका आंसर ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझो आप, देखो आपका इंस्ट्रूमेंट है जो जिसकी जो फुल स्केल वैल्यू है वो कितनी है 400 वोल्ट, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है सपोज जैसा मैक्सिमम वो कितना रीड कर सकता है 400 वोल्ट ठीक है, जब 400 वोल्ट जब रीड करेगा तब आपकी एरर है 2% की, क्लियर है। अब देखो ये जो 400 वोल्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इससे आप अगर 200 वोल्ट को मेजर करते हो, यानी कि यहाँ पर अगर 200 वोल्ट कुछ अराउंड यहाँ पे होगा ठीक है, अगर 200 वोल्ट को आप मेजर करोगे ना तो आपको पूछ के एरर कितनी होगी, ये इसने पूछा है बेसिकली। देखो एरर कितनी हो गई 2 से सीधे 4% ठीक है, जब देखो जब 100 वोल्ट मेजर करेंगे तो 100 वोल्ट कुछ अराउंड यहाँ पे आएगा ठीक है, यहाँ पर हो गया 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट पे कितनी देगा ये 8% एरर, तो 8% एरर, जब 50 वोल्ट करेगा तब यहाँ क्या हो गया 50 वोल्ट सपोज ठीक है, इस केस में कितनी दे रहा है 16%, यानी कि अगर देखो आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत फुल स्केल उसका 400 वोल्ट है, आप अगर देखो उसको 200 वोल्ट पे यानी जस्ट आधा कर दिया, फुल स्केल वैल्यू आधी कर दी आपने ठीक है, तो जैसे ही आप फुल स्केल वैल्यू उसके आधी करते हो तो एरर आपकी क्या हो जाती है डबल, पहले 2% थी अब क्या हो गई 4%, समझ रहे हो ना रिलेशन। देख लो आपने जो रीडिंग थी यानी पहले 400 वोल्ट थी ठीक है, 400 वोल्ट पे दे दिए 2%, अब इसने पूछा कि 200 वोल्ट पे कितनी हो जाएगी, तो देखो कितनी हो जाएगी जस्ट डबल, डबल हो गई ना देख सकते हो, क्लियर है। तो ऐसा समझो यानी कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 400 वोल्ट मेजर करने के लिए बना है उससे अगर आप बहुत लो वैल्यू की रीड करते हो, यानी 50 वोल्ट अगर रीड करोगे 400 वोल्ट वाले इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको एरर 16% मिलेगी, यानी लिमिटिंग एरर बहुत ज्यादा हो गई, क्लियर है। इसलिए बेसिकली अगर आपको रीड करना है सपोज 10 एम्पीयर रीड करना है ठीक है, रीड करना है, तो आप इंस्ट्रूमेंट ऐसे 100 एम्पीयर वाला यूज नहीं करोगे, अराउंड ये यूज करोगे आप 15 एम्पीयर ठीक है, या फिर अगर 15 एम्पीयर या फिर 12 एम्पीयर का यूज करोगे आप बेसिकली, जिससे आपकी एरर कम से कम रहे, समझ गए ये बेसिकली इसका मतलब है। तो देखो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 0 to 300 वोल्ट मीटर हैज एन एरर ऑफ प्लस माइनस 2% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ठीक है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, अभी वो कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 0 से 300 वोल्ट तक मेजर कर रहा है और उसकी जो फुल स्केल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 300 वोल्ट, यानी जो मैक्सिमम कितनी रीड कर सकता है 300 वोल्ट ठीक है, ये फुल स्केल वैल्यू है उसकी। अब जब फुल स्केल वैल्यू जब रीड करेगा, देखो जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तब वो एरर कितनी देगा प्लस माइनस 2%, लास्ट क्वेश्चन में भी प्लस माइनस 2% थी, सिर्फ 2% प्लस माइनस नहीं था उसमें, इसके साथ प्लस माइनस दे रखा है ठीक है। इसमें पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ रीडिंग इफ ट्रू वोल्टेज इज 30 वोल्ट, यानी अगर जो ट्रू वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है तो इसकी जो रेंज आएगी ठीक है वो कितनी आएगी, ये पूछा है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो देखो इसमें क्या है सिंपल, देखो फुल स्केल वैल्यू कितनी है, फुल स्केल वैल्यू
वैल्यू, ठीक है, ये आपके 300 वोल्ट, ठीक है, एरर आपको दे दी ±2%, ठीक है। अब आपको बोला है कि जो 30 वोल्ट है, अगर 2 वोल्टेज है तो इसकी रेंज बताइए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली इसने 30 वोल्ट पे पूछा है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो 30 वोल्ट है उस पे जो एरर होगी वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो, लिमिटिंग एरर एट 30 वोल्ट, यानी जब 30 वोल्ट को आप मेजर करोगे, ठीक है, क्योंकि 2 वोल्टेज तो आपको 30 है, 30 तो मेजर करना है, तो उससे इसमें एरर कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो फुल स्केल रीडिंग यानी 300 मल्टीप्लाई एरर जो भी है 2% डिवाइड बाय 30, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपको मिलेगा 20%, यानी कि ±20% आपको लिमिटिंग एरर मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ये जो 20% है ये बेसिकली आप किसका लोगे, 30 वोल्ट का, क्लियर है, यानी 30 वोल्ट का 20% तो आपका एरर ही होगा। तो देखो, देयरफॉर 30 वोल्ट का 20% कितना होगा ये निकालो। तो देखो, 30 into इसका 20% निकालते हैं, 20 डिवाइड बाय 100, तो परसेंटेज में है ना, तो देखो 10 से 10 ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपको मिली ±6, क्लियर है, परसेंटेज में नहीं होगी बिकॉज आपने 20 को ऑलरेडी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको वैल्यू कितनी मिली, यानी ±6 वोल्ट आपका एरर होगी, ठीक है। यानी अगर आप 30 वोल्ट को मेजर कर रहे हो ट्रू वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो होगी 30 माइनस 6 या फिर होगी 30 प्लस 6, क्लियर है। तो ये आपकी हो जाएगी 24 और ये आपकी हो जाएगी 36। तो यहाँ से आपको रेंज क्या मिली, 24 से लेके 36 वोल्ट तक, तो ये आपकी हो गई रेंज। आपको रेंज ही तो पूछी थी, ठीक है। इसने बोला था कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 30 वोल्ट को मेजर करता है तो आप रेंज बताइए इसकी, बेसिकली इसने बोला था। तो आपने क्या, 30 वोल्ट पे पहले लिमिटिंग एरर निकाल दी, वो आपको 20% मिल गई, ठीक है। फिर आपने क्या, जो 30 वोल्ट था उसका 20% कितना होता है वो आपने निकाला, वो आपको मिला ±6 वोल्ट। तो आपने अगर रेंज निकालनी है आपको, तो एक बार 30 में 6 प्लस कर दो, एक बार 30 में 6 माइनस कर दो, ठीक है, ये आपको रेंज मिल गई, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सो देखो, लेट अज्यूम वी हैव थ्री डिफरेंट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट है, वो तीन वैल्यू रीड कर रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखो, एक्स की वैल्यू ए प्लस माइनस एरर इसकी, एक्स में जो भी एरर है ER1, वाई में जो भी एरर है ER2, जेड में कोई भी एरर है ER3, क्लियर है। अब देखो, ये जो एरर है ना, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो एरर है ये आपकी है इन परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज में एरर दे रखी है, क्लियर है। तो देखो, अगर आपको बोले कि आपको निकालना है, देखो, फर्स्ट व्हेन एडेड, व्हेन एडेड यानी आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो देखो, ऐड करना है यानी कि आप ये बताओ, सपोज देखो पी मान लो, ठीक है, आपको निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, क्लियर है, ये आपको निकालने को बोला है। तो देखो, आप इसको कैसे निकालोगे, पी इक्वल्स टू सिंपल देखो, ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो रियल वैल्यू है यानी ए बी सी, इनको तो आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे, क्लियर है। अब जो एरर बचेगी, तो प्लस माइनस इसको आप लिखो फिलहाल ER। अब देखो, ये जो ये इसको याद रखो आप, अब देखो ये जो ER है इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ER1 से, क्लियर है। फिर प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ER2 से। फिर प्लस अगेन सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ER3 से, क्लियर है। और जो एरर है ये आपको परसेंटेज में दे रखी होगी, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये तो हो गया, देखो आपको जब ऐड करना है, ठीक है, रीडिंग्स को। सेकंड क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्शन, तो व्हेन सब्ट्रैक्टेड। देखो, सपोज आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी कि पी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। देखो, इस केस में क्या करोगे, पी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ये तो हो गई रियल वैल्यू, और एरर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ER। और जो एरर है ये सेम जैसे आपने प्लस में निकाली सेम तरीके से निकलेगी, साइन कहीं पे भी चेंज नहीं कराएगा, सेम डिट्टो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये हो गया एडिड का और सब्ट्रैक्टिव का। अब देखो, इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। तो देखो,
आपको एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम। सपोज करो आपको रेजिस्टेंस है आर वन, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू दे दी 37 ओम, ठीक है, प्लस माइनस 5% आपको एरर दे दिए। आर टू आपको दे दिया 75 ओम, प्लस माइनस 5%, ठीक है। थर्ड आपको दे दिया आर थ्री, आर थ्री इक्वल्स टू 50 ओम, प्लस माइनस 5%, ठीक है। अब आपको बोल दिया, आपको ऐसा बोल दिया कि ये जो रेजिस्टेंस है आर वन आर टू आर थ्री, इन तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। अब आप ये बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो, यानी ये देखो ये आपने सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है ना, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है। अब आप ये बताइए कि आपका आर नेट क्या होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल, आप अगर देखो करोगे इसको तो कैसे करोगे, तो देखो आर नेट इक्वल्स टू क्या करोगे, बेसिकली 37, ठीक है, प्लस 75 प्लस 50, ये तो आप कर दोगे, ठीक है, यानी जो भी ये रियल वैल्यू इनको ऐड कर दोगे, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस आपका ऐड होता है, इसलिए आप ऐड कर दोगे, कोई डाउट नहीं है। अब बची एरर की बात, अब आप जैसे इसमें क्या 5% 5% 5%, तब आप इसको ना 15% नहीं लिख सकते, क्लियर, यानी परसेंटेज की जो होती है वो आपकी ऐड नहीं होती। अगर ये आपको ओम में दे रखा होता, यानी 37 प्लस माइनस 5 ओम, ठीक है, सब में 5 ओम दे रखा होता ना, तो आप उनको डायरेक्ट ऐड करते तो आपका आंसर सही होता, बट यहाँ पे आपको दिया परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ऐसे नहीं निकलेगा। तो देखो प्लस माइनस इसको लिख लेते सर, चलो कैपिटल ई आर, ठीक है। अब देखो मैंने ई आर निकालने का आपको फॉर्मूला बताया, क्लियर है, देखो क्या कर सकते हो, ई आर इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है, क्या होता है, ए अपॉन ए प्लस बी सी, ठीक है, ए बी सी उनका एडिशन, तो ए क्या इसमें 37 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 37 प्लस 75 प्लस 50, तो 37 प्लस 75 प्लस 50, ठीक है, इसको जब प्लस करोगे तो ये आपको मिलेगा 162, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई आर वन से, वो है आपका 5%, तो ये हो गया 5% प्लस 75 डिवाइडेड बाय 162, तो ऐड करोगे तो इनको 162 मिलेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ई आर टू से, यानी 5%। थर्ड आपका है 50 डिवाइडेड बाय 162, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आप 5% से, क्लियर है। तो यहाँ से आपको एरर कितनी मिलेगी, ई आर इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो एरर मिलेगी वो मिलेगी 5%, क्लियर है, ये आपके हुए एरर। तो यहाँ पे सिंपल एरर रख सकते हो, तो जो आपको देखो आर नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इन सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 162, तो 162 प्लस माइनस 5%। तो देखो एक तो आपका ये तरीका है, ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको बताया जो तरीका था, क्लियर है। एक देखो दूसरा तरीका क्या है, अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको जो वैल्यू है, यानी कि सपोज करो जो आर वन है वो आपको ऐसे दे दिया 37 प्लस माइनस 5 ओम, क्लियर है, आर टू आपको दे दिया 75 प्लस माइनस 5 ओम, ठीक है, आर थ्री आपको दे दिया 50 ओम प्लस माइनस 5 ओम, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको इसने बोला कि सीरीज में कनेक्ट किया है तो आर नेट निकालो, तो इसका जो आर नेट होगा ना तो वो होगा 162 प्लस माइनस 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 ओम, तो ये आपको होगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बिकॉज इसमें आपको देखो परसेंटेज भी नहीं दे रखा, ठीक है, ओम में दिया। अगर आपको परसेंटेज में दे तो आप ये वाला तरीका यूज करो, ठीक है। अब देखो आपने एडिशन वाला समझ गए, सब्ट्रैक्शन वाला समझ गए, ठीक है, दोनों सेम है, बस एरर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लियर है। अब देखो सेकंड आपका, थर्ड आपका आता है अगर आपका मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है, क्या हो सकता है, या तो मल्टीप्लीकेशन होगा किसी दो वैल्यू का, यानी सपोज देखो सेम आर वन की कुछ वैल्यू है आर टू की कुछ वैल्यू है, और मैंने पूछ लिया आर वन इंटू आर टू बताइए, ठीक है, तो वो आपको निकालना है। देखो मल्टीप्लीकेशन हो या फिर आपका डिविजन हो, ठीक है, तो दोनों के केस में देखो क्या होता है, तो फर्स्ट देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते, ठीक है, सपोज मैं पूछता हूँ पी इक्वल टू एक्स इंटू वाई निकालिए, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है ना, एक्स की थी ए प्लस माइनस ई आर वन, वाई की वैल्यू थी बी प्लस माइनस ई आर टू, क्लियर है। तो देखो अगर आपको ऐसा मल्टीप्लाई में पूछ ले, जेड भी ले लो, जेड भी तो था एक, ठीक है ना, तो देखो अगर ऐसा मल्टीप्लाई में पूछे तो इसकी जो वैल्यू होगी, यानी पी, ये आपका होगा ए को मल्टीप्लाई करो बी से, बी को मल्टीप्लाई करो सी से, ठीक है, फिर प्लस माइनस जो भी आपकी एरर थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एडिशन, यानी ई आर वन प्लस ई आर टू प्लस ई आर थ्री, ठीक है, इन चीजों को समझो, ये आपके मल्टीपल चीजें यूज होगी, मल्टीप्लीकेशन भी यूज हो रहा है, डिविजन भी यूज हो रहा है, एक साथ यूज होंगे ये सारे, तो इन चीजों को एक बार समझ लो अच्छे से, क्लियर है। तो मल्टीप्लीकेशन वाला समझ गए,
सपोज आपका डिवीजन हो, सो पी इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसकी जगह या तो क्या हो सकता है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया जेड से, या फिर ये भी तो हो सकता है कि ऊपर वाई आ जाए और नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स और जेड को, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ऊपर जेड और नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स और वाई को, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकती है टर्म, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर देखो ऐसी कुछ भी टर्म हो, सपोज ये वाली है, ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एक्स में क्या था रियल वैल्यू आपकी ए, ठीक है, तो ए, वाई में क्या था आपका बी, जेड में क्या था सी, तो सिंपल ऐसे कैसे वैल्यू लिख ली। अब क्या करोगे आप, आपको एरर भी तो लिखनी होगी, तो क्या करोगे प्लस माइनस, एरर में क्या करोगे आप ऐड कर दोगे सारी एरर, यानी एक्स की एरर, वाई की एरर और जेड की एरर, सिंपल ई आर वन प्लस ई आर टू प्लस ई आर थ्री, तो ये फॉर्मूला तो आपका है इसका, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर का ये वाला फॉर्मूला है बनेगा आपका, इस एक्सप्रेशन के लिए लिखते हो। देखो मैं इसके लिए आपको लिख के दिखाता हूँ, इसमें क्या वाई अपॉन एक्स जेड, तो वाई के लिए क्या थी आपकी बी, एक्स के लिए क्या थी आपकी, एक्स के लिए आपकी थी ए, ठीक है ना, तो देखो एक्स के लिए ए, जेड के लिए सी, प्लस माइनस एरर क्या हो जाएगी सारी एड हो जाएगी सिंपल, यानी अगर आपका मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, अगर आपको एरर परसेंटेज में दे रखी है तो आप क्या करोगे एरर को सिंपली ऐड कर दोगे, क्लियर है। सिंपली इसके लिए हम लिख ही लेते हैं सी अपॉन ए इंटू बी और प्लस माइनस एरर सारी ऐड हो जाएगी, ई आर वन प्लस ई आर टू प्लस ई आर थ्री, ये बेसिक चीज समझ गए, ठीक है। इससे एक रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इससे ये चीज आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, क्लियर है। अब देखो जो थर्ड यानी सॉरी फोर्थ लास्ट आपकी, ये आपकी होती है अगर कोई पावर दे रखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एरर इन पावर, ठीक, किसी पर्टिकुलर टर्म है उसके ऊपर पावर दे दी, यानी कि सपोज करो देखो पी इक्वल टू, मैंने आपको पूछ लिया कि एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन एंड जेड की पावर क्यू, ये निकाल के बताइए, और एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स की आपकी ए प्लस माइनस ई आर वन, ई आर वन आपका परसेंटेज में, ठीक है ना, वाई इक्वल्स टू बी प्लस माइनस ई आर टू, जेड की वैल्यू क्या है सी प्लस माइनस ई आर थ्री, ये सब वैल्यू परसेंटेज में, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई वाई की पावर एन मल्टीप्लाई जेड की पावर क्यू, तो इतना तो आपको पता है कि अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो आपकी एरर क्या होगी एड होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो देखो इस केस में जब निकालोगे जो इक्विवेलेंट होगा इसका मल्टीप्लीकेशन, वो आपका क्या हो जाएगा, देखो ए की पावर एम, ठीक है, इंटू बी की पावर एन, बिकॉज देखो एक्स में आपका क्या है ए, तो ए की पावर एम होगी बिकॉज एक्स पे भी आपकी एम थी, सिमिलरली बी में एन हो गई एंड सी में आपकी हो जाएगी क्यू, क्लियर है यहां तक। अब सिंस ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी चीजें सब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया एरर ऐड होती है, ये क्या करेंगे प्लस माइनस एरर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखो ई आर वन प्लस ई आर टू प्लस ई आर थ्री, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो जो ई आर वन है ये किसकी एरर आपकी एक्स की, एक्स के ऊपर पावर क्या आपकी एम, तो इस एरर को आप एम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिमिलर आप वाई पे आओ, वाई की एरर कितनी है ई आर टू, ये रही आपकी ई आर टू, अब वाई में पावर कितनी है एन, तो इसको आप एन से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। सिमिलर जो ई आर थ्री इसको किससे करोगे क्यू से, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इनसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत करो, क्लियर है। तो देखो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, दो क्वेश्चन करवा दूंगा, अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो कि आपकी जो पावर है और क्या होती है पी, ठीक है, मैंने बोल दिया कि आपकी पावर में 1.5% एरर है, ठीक है, यानी आप कुछ पावर मेजर कर रहे हो उसमें आपकी 1.5% एरर आ रही है, ठीक है, और जो करंट है, ठीक है, उस करंट में आपकी एरर आ रही है 1%, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें आपके कितने परसेंट एरर आएगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करते हैं। देखो तो देखो पावर क्या होती है आपकी पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्लियर है, तो मेरे को चाहिए रेजिस्टेंस में एरर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, देखो पी अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है, तो देखो और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखो पी अपॉन सिंपल आई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ करंट इंटू करंट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो जो पावर है इसमें आपकी एरर कितनी है 1.5%, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस करंट में एरर कितनी है 1%, 1%, ठीक है, मल्टीप्लाई, एक सेकेंड ऐसे करो, देखो
जब आपकी टर्म मल्टीप्लाई होती है ठीक है, या फिर डिवाइड होती है, तो एरर आपकी क्या होती है, एड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है ना दो टर्म ठीक है, इस एक टर्म की एरर है 1%, दूसरी टर्म की एरर है 1%। जब दोनों मल्टीप्लाई होगी तो एरर क्या हो जाएगी, एड, यानी 1% + 1% यानी 2%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी जो टर्म है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड में जो एरर होती है वो क्या हो जाएगी, एड, यानी कि 1.5% + 2%, यानी आपकी एरर कितनी आई इस केस में, 3.5%। क्लियर है, तो आपकी रेजिस्टेंस में एरर कितनी आएगी, 3.5%। क्लियर है, समझ गए क्वेश्चन। ठीक है, इस सेम चीज को आप ना ऐसे सेपरेट करके किया, आप पावर वाले भी यूज कर सकते थे, जो मैंने पावर के लिए फॉर्मूला बताया ना कि एरर की में पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो सिमिलर ये जो टर्म है इसकी एरर आपके 1%, तो ये आपने 1% लिख ली ठीक है। फिर क्या करोगे, ये जो पावर इसको आगे लाओगे यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 2%, और आपने ऐसे 2% लिखी, एक ही बात है ना, समझ गए। तो ये चीज है, अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। सपोज भी आपका रेजिस्टेंस है ठीक है, ये कुछ इस टाइप का सर्किट है, या जो रेजिस्टेंस है इसकी, और सपोज करो इसकी वैल्यू आपकी 5 + j 4, सॉरी ऐसे मत लिखो, ये हो जाएगी 5 + -2%, ये आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू ठीक है, और जो आपका करंट है, ये आपका करंट है ठीक है, जो करंट है इसकी मैंने आपको वैल्यू बता दी 10 एम्पियर + -5%। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि जो पावर बनेगी यानी जो पावर होगी उसमें कितनी एरर होगी। देखो सिंपल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R। क्लियर है, देखो जो रियल होगी, रियल चीज है ठीक है, वो तो सिंपल सॉल्व हो जाएगी, यानी देखो अगर करंट की बात करते हो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, या तो I × I × R ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे जो मैंने बताया ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है ना। देखो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल पहले तो आप क्या करोगे, करंट को मल्टीप्लाई, यानी देखो 10 एम्पियर × 10 एम्पियर ठीक है, तो देखो 10 × 10 × रेजिस्टेंस में 5 ठीक है, फिर आएगा प्लस माइनस, अब आपकी एरर भी तो आएगी। अब देखो मैंने क्या बताया, जब भी आपका ऐसा मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो आपकी एरर क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी देखो करंट में कितनी आपकी एरर 5%, तो देखो 5% + 5% + रेजिस्टेंस में 2%, यानी 5 + 5 + 2, तो ये कितनी होगी, 5 और 5 10 और + 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 100 × 5 यानी 500, तो 500 + -5 और 5 10 + 2 12, तो आपकी एरर कितनी आएगी इस केस में, 12%। क्लियर है, ऐसे भी निकाल सकते हो, और अलग तरीके से निकालते हो तो क्या करते हैं, सिंपल ये जो I² है इसमें क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, जो करंट है यानी 10 एम्पियर, 10 इसकी रियल वैल्यू है ना, तो इसका क्या करते हैं स्क्वायर ठीक है, फिर इसको आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है आपका 2 सॉरी 5 ठीक है, फिर प्लस माइनस आप एरर करते हैं। अब एरर के लिए क्या करते हैं, पहले करंट की एरर लिखते हैं वो है 5% ठीक है, फिर क्या करते हैं जो पावर है उसको से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 ठीक है, फिर इसमें प्लस करते हैं रेजिस्टेंस की एरर वो है 2%, तो अभी भी देख लो कितना आता, 5 × 10 10 + 2 12% ही आता ठीक है। किसी भी कोई भी चीज यूज करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन और डिविजन वाला यूज करो या फिर पावर वाला यूज करो, क्लियर है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस में अच्छे हो, और इससे रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो ये आपका एरर एनालिसिस कंप्लीट होता है ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे CRO। सो थैंक यू वेरी मच।